हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स ऑफ वाइब्रेंट साइंस स्कूल, मैं आपकी न्यू टीचर मैथ्स टीचर मीनल निरखे। हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे आज से फिफ्थ क्लास का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बुक का फ्रंट पेज है। अगर सबके पास बुक नहीं है तो इसमें से टैली कर सकते हैं। फ्रंट पेज ये है, उसके बाद नेक्स्ट पेज दिस इज इनसाइड द बुक। देन यू कैन सी देर आर कंटेंट्स इन द बुक। हेयर गिवन मैथ मैजिक वॉट इज इनसाइड दिस बुक। 14 चैप्टर्स आर देयर। 14 चैप्टर्स हैं इसमें। फोर्थ क्लास में भी आपने लगभग सेम चैप्टर्स यू हैड लर्न्ड, बट इन दिस क्लास इन लिटिल क्लियर मैनर यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, मोर डिटेल यू हैव टू स्टडी सेम टॉपिक्स। फर्स्ट चैप्टर यू कैन सी देयर इज़ अ फिश टेल। तो हम लोग अभी इस चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करेंगे। फिश टेल, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। दे वुड हैव स्टार्टेड इंग्लिश स्टार्टिंग इंग्लिश इंस्टेड ऑफ मैथ्स, बट नॉट लाइक दैट। दे वॉन्ट टू गिव लिटिल बिट आइडिया ऑफ लार्ज नंबर्स एंड पिक्चर ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद द हेल्प ऑफ स्टोरी ऑफ फिशेस। फिशेस स्टोरी, फिशेस कहाँ पे लोग उसको कैसे उसको पकड़ के बेचते हैं, और उस बेचने में कौन कौन सी अलग अलग टाइप की फिशेस होती हैं, उनको किस किस रेट में बेचा जाता है, उनके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डीप चैप्टर का नाम द फिश टेल। देन वन पोयम दे हैव गिवन, डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। अभी इस पोयम को हमको याद नहीं करना है, और ना ही इसको वी शुड नॉट लर्न इट और वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। दिस इज गिवन ओनली फॉर थिंकिंग। दिस स्पेशल पोयम इन थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ए हाइकू। थ्री, इट इज़ अ पोएम ऑफ थ्री लाइन्स। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश। इन दिस सी यू कैन सी द कलर्ड फिश एंड स्विमिंग पीसफुली। पीसफुली मतलब शांति से वो स्विम कर रही है। ये पोएम हाइकू कहलाती है, तीन लाइन की पोएम। सच पोएम्स आर डिपेंड ऑन आर अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। जापान में तीन लाइन की पोएम को हाइकू कहा जाता है। नेक्स्ट अगेन दे हैव गिवन वन मोर पोएम, द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक। यहाँ पे एक और पिक्चर इन्होंने दी हुई है, द लेक, यहाँ पे लेक, सपोज यहाँ पे लेक फ्लो कर रही है। काम स्मूथ स्टिल फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स। रिपल्स मतलब ऐसे 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 रिपल्स आते हैं पानी में, उनको बोलते हैं रिपल्स। शेक द लेक, लेक को रिपल्स की वजह से लेक शेक कर रही है। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? आपने भी बचपन से फिश पे बेस्ड बहुत सारी पोएम्स यू मस्ट हैव लर्न्ड, यू मस्ट हैव हैड लर्न्ड एंड यू मस्ट हैव रिमेंबर। तो आप लोग उसको लिखिए उन पोएम्स को, अगर जो भी आपको पोएम्स याद आती हैं वो लिख के मुझे भेजिए, तो मैं उसको रिकॉर्ड में रखूँगी। When you think of fishes, what shapes come to your mind? अब इस फिश को आपको देख के या इस फिश को देख के what you are seeing these fishes, what shapes are coming in your mind? आप फर्स्ट पेज पे पोएम लिखिए, सेकेंड पेज पे मुझे शेप्स बना के दिखाइए कि कौन से शेप्स आपको उसको देख के ध्यान में आ रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ शेप्स, जैसे मैंने फर्स्ट फिश देखी तो मुझे शेप ऐसे ऐसे करके शेप उसका समझ में आ रहा है। मेरी ड्राइंग, आई डोंट हैव वेरी गुड ड्राइंग बट आई विल ट्राई। आपकी बच्चों में से ड्राइंग भी बहुत लोगों की अच्छी होगी तो वो लोग अच्छे से बना सकते हैं। जैसे ये पहली फिश है, उसका ड्राइंग ऐसे बनाइए, फिर पानी बना सकते हैं, वाटर यू कैन ड्रॉ। सेकेंड फिश को देख के मुझे इस तरह से ध्यान आ रहा है, इस तरह से आप पिक्चर बना सकते हैं। ये मोटी पिक्चर, मोटी फिश है।
तो इनके शेप्स आप बनाइए, शेप मतलब इस तरह का शेप आ रहा है या फिर राउंड शेप आ रहा है, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रायंगुलर शेप आ सकता है। या थर्ड फिश आप देखेंगे इसी पेज पे, तो दिस वन इज़ द थर्ड फिश, ये आप देखिए। तो इसमें आपको और शेप्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इनके शेप आपको बनाने हैं। तो इस तरह से इसका मुंह है, इस तरह से इसका मुंह है, देन यू कैन मेक शेप, रेक्टेंगल शेप बीच का हो सकता है, लास्ट का शेप इस तरह है। तो दीज शेप्स यू कैन मेक इन योर नोटबुक। तो डिफरेंट शेप्स उसका हेडिंग दीजिए, डिफरेंट शेप्स कमिंग इन द कम टू योर माइंड। देन ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रॉ ए फिश। अगर ट्राई, यू कैन मेक अ स्क्वायर, स्क्वायर ले सकते हैं, और इस तरह से आप स्क्वायर लीजिए, ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल आप बनाइए फिश, ये ट्राइंगल होता है, और यहाँ पे आप बना सकते हैं छोटा ट्राइंगल, तो ये आपकी बन गई फिश। ये यहाँ से ऐसा ट्राइंगल, यहाँ से ऐसा ट्राइंगल, ट्राइंगल तो आपको मालूम होगा कि इट इज़ अ शेप ऑफ थ्री साइड्स, एंड इट इज़ अ स्क्वायर इज़ अ शेप ऑफ फोर साइड्स, जिसकी ईच साइड विल बी इक्वल। जैसे ये टू है तो ये भी टू होगी, ये भी टू होगी, ये भी टू होगी, एंड दीज आर ऑल ट्राइंगल्स। थ्री साइड फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल, फोर साइड फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर। तो इस तरह से आप फिश बनाइए और वो नोटबुक में कलर कीजिए। जब स्कूल विल ओपन देन आई विल सी। यू कैन ड्रॉ दिस डिफरेंट फिशेज ऑल्सो इन योर नोटबुक। ओके, देन नेक्स्ट पेज दे हैव गिवन, लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा। अब आपके, इफ यू हैव एट होम नाउ, यू आर एट होम नाउ, यू कैन सी डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ फिशेज, बेडशीट में होगा, किसी के कुर्ते में होगा, किसी की शर्ट में होगा, या कहीं ऐसी ड्राइंग फिश की मिल रही है, तो वो लिख के आप बनाइए। ड्रॉ ए फेस, मीन मीन्स अ फिश, एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। यहाँ पे पेंटिंग दी हुई है एक गर्ल की, जिसकी आईज जो हैं वो फिश की डिज़ाइन की दिख रही हैं। तो इसकी इस तरह की आईज भी आप बना सकते हैं इफ़ यू ट्राई। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस लेसन, इन मोर डिटेल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।